प्रधान जी चलो देखा है ब्रावी क्यों बहुत मार है चलो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जनरल सकत्तर भाई हरपाल सिंह जी बलेर साडे नाल ने, अज असी उन्होंने नाल गलबात करांगे। सो मैं पहला फतेह अर्ज करदा जी, बलेर साहब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तालमपुर साहब बलेर साहब, जिथे तुसी अज पंजाब दीआं इलैक्शन जिहड़ियां आ उह लड़ रहे हो, ते नाल बहुत वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी आ उह तुहाडे उत्ते आ कि तुसी माझे पूरे नूं आप वेख रहे हो कि किहड़ा किहड़ा कैंडीडेट असीं माझे दे विच लड़ाउणा आ, ते राजनीतिक दे नाल तुहाडा बड़ा लम्मा नेड़ता भी रही है। सो अज मैं एक गल पुछनी चाहुंदा, जिहड़ा बड़ा चर्चा दा विशा आ प्रोफैसर दविंद्रपाल सिंह जी भुल्लर जिन्हां दी रिहाई दी गल चल रही आ, उहदे संबंधी तुसीं की कहना चाहोगे? देखो मैं बहुत ही निम्रता सहित बेनती करनी चाहुंदा है कि जिहड़ा सरदार प्रोफैसर दविंद्रपाल भुल्लर जी का रिहाई ना करनी, ये अज दा पहला काम केजरीवाल का नहीं आ। मैं सिख संगत नूं दसना चाहुंदा है कि 19 तो लैके अज 3 वारी इन्हें इनकार कर दिते है कि उन्हां दी हरियाई दी जिहड़ी एप्लीकेशन है उन्हां नूं इन्हां ने मुढ़ तों खारज किया है। ये चेहरा जिहड़ा इन्हां दा अज नंगा होया है, लोकां दे सामने जनतक होया है, ये बहुत इन्हां ने भुलेखे च पा के साडी सिख कौम नूं पिछली वारी इन्हां ने बाहर दे लोकां तों कई करोड़ां रुपईआं दे डालर मंगा के ते अपनियां तिजोरियां भरियां। संजय सिंह वर्गिआं ने तां साडीआं भैणां दीआं बेबतियां कीतीआं, इत्थे मन मर्जी दे होटलां दे विच रह के साडा सरमाया लुट्टिआ है पंजाब दे विच। और हुण जिहड़ी इन्हां ने यह रिहाई ना करन दी एप्लीकेशन तीजी वार नोट रिकमेंड कीती है, इहदे तों सिखां नूं इह पता लग गया है कि यह बिलकुल इन बिन RSS BJP जिहड़ी आ नंबर 2 जिहड़ी अन्ना हजारे ने जंतर मंतर दे विच्चों कढ़ी है, वो इस करके कढ़ी है कि जिद्दण मोदी पब्बां भर डिग्गा तो उदन साडी बी टीम जिहड़ी आ उह पंजाब दे विच पूरे देश दे विच कम करूगी। और वह ये जिहड़ा IPS पास नहीं कर सकिया केजरीवाल, अपने आप नूं बहुत पढ़िया लिखिया मुख्यमंत्री दसदा है, पर मैं समझदा कि यह फेल होया मुख्यमंत्री है। इन्हें दिल्ली दे विच एक दो स्कूलों के कम करके उस तो बाद उन्हें घुमा घुमा के सोशल मीडिया से साडे नौजवानों मगर लाया है, जबकि उत्थों के लोग दसदे है साडे कोल एविडेंस पए है कि गड्डी एंटर करन तो पहला 4300 रुपया उन्होंने उत्थे हरजाना भरना पैंदा है, तो फिर गड्डी दिल्ली दे विच एंटर हुंदी है, जबकि पंजाब दे विच इहो जिहियां चीज़ां नहीं हैगियां। तो जे लोग इन्हां ते यकीन करनगे तो फिर मैं समझदा सब तो वड्डी गल जिहड़ी अपनी तुसीं कीती है, सानू जान तो प्यारा है प्रोफैसर दविंद्रपाल भुल्लर जिन्हां ने, वो किसी माँ का पुत है, उन्होंने सानू इन्हां ने यकीन दवाता कि तुसीं गुलाम हो, तो जे नहीं गुलाम ये दसदे आ कि इत्थे सारे नूं बराबर का हक मिलता है तो फिर उन्होंने रिहाई कर देन। जे साडे बंदी सिंघां नूं रिहा करनगे तां ही तो मन्नांगे साडा इत्थे इंसाफ सानू मिलता है, तो जे इन्हां ने सानू अज ये सानू गुलामी का एहसास कराया तो मैं समझदा वां कि इस तों वध नलायक मुख्यमंत्री तो बुजदिल मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें मजीठिए पैरी पै के माफ़ी मंगी है, तो ये पंजाब दे विच राज करन दे कदी भी काबल नहीं गया। जिहड़े लोग इहदे मगर लगे मैं उन्होंने भी दसना चाहुंदा है कि सानू पहला प्रोफैसर दविंद्रपाल भुल्लर है तो उस तो बाद ये निरंकारी है। बिल्कुल जी, जिथे तुसी ये गल की है कि पहला जिहड़ा सानू दविंद्रपाल सिंह भुल्लर ने बाद दे विच बाकी ने, सो मैं एक गल होर भी जिहड़ी आ उह पुछणी चाहुंदा आ कि अज जिस तरह पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी दे रिश्तेदारां दे घरों 10 करोड़ रुपये की राशि मिलना इस इलैक्शन दे दौर दे विच, उहनूं तुसी किहड़े नज़रां नाल वेख रहे हो? मैं समझदा ये RSS BJP ते हिंदुओं दे जिहड़ी आ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये उन्होंने नक्शे कदमों चलन लग पे आ, क्योंकि सिख दे कोल माया गुजरान ये बहुत जरूरी है, पर जे सिख तिजोरियां भर के तो उन्हों सप बन के उहदे उत्ते बैठ जाए तो उन्हों फिर सिख नहीं कहा जा सकता। इन्हां नूं भी पंजाब दे विच राज करन दा कोई हक नहीं गा, एक मन्ने तो साढ़े गरीब जिहड़े लाइनां दे विच लग के ते गली ते सड़ी कणक लैण लई 6-6 महीने इंतजार करते रहिंदे आ, इन्हां लोकां ने जहाजां दे हैलीकाप्टरां दे विच बैठ के तिजोरियां भर के ते अपने रिश्तेदार अपने सारे पालण दा कम शुरू कीता होया है। ये सरमाया जिहड़ा है ना, जदों बीबी साडी बाहर सब्जी लैण निकलदी है ते 100 रुपये दे मगर
वो 14 रुपये तो 21 रुपये टैक्स देती है, तो वो टैक्स जोड़ा है इन्होंने अपन तिजोरिया भर के इकट्ठा किया हो सिविस बैंक के अज तक मोदी कहता मैं वापस पैसे मंगाने हैं, फिर उस तो बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या कहदियां सी कि असी काला धन वापस मंगाना है, काला धन तो इन्होंने आप दबिया होया है, ये कौन मंगा सकते हैं, ये सिर्फ बयाना तो बगैर इन्हों के कोल कुछ नहीं है, जे किसी ने करके दिखाया है तो वह सरदार सिमरनजीत सिंह मान है, तो वो सत्कार तो सारे करते हैं कि असी वो कौम के लीडर का सत्कार करते हैं, पर सानू इन्होंने काहे जोगा छड़िया नहीं, इन्होंने अज पैसे नू मुख रख लिया है, तो पैसे दे वास्ते ये वारी वारी पंजाब नू लुट्टण ते कुट्टण वास्ते आउंदे आ, इंसाफ नाल दी इन्हां दे कोल कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल बलेर साहब, जिथे तुसी अज ये गल दसी आ कि जिहड़े ये पैसे ने साडे साडे ही पैसे सीगे जिहड़े टैक्सां दे रूप दे विच इकट्ठे होणे सीगे इन्हां लोकां ने अपने कोल रखे आ, सो अज जिथे सियासत दा दौर चल रहा इस दौर दे विच इक नवीं जथेबंदी होर उभर के आई आ जिहनूं असीं संयुक्त समाज पार्टी के नाँ जानते हैं, तो संयुक्त समाज पार्टी ने भी अपने जिहड़े आ 17 उम्मीदवार जिहड़े आ मैदान दे विच उतारे आ, उन्हां दा जिहड़ा फैक्ट आ वह पंजाब दे विच होऊगा जी? बिल्कुल, ये तो वेखो जे आपां कह लईए कि इन्होंने बड़ा मोर्चा फतेह किया है, तो मोर्चा तो किया केसरी निशान साहब ने, छेवें पातशाह मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साहब ने मोर्चा फतेह किया है, तो लोगों ने यूथ ने हरियाणे के पंजाब ने यूथ ने मोर्चा फतेह किया है, इन्हों भुलेखा पै गया कि खरे इन लीडर ने उत्थे बदाम ते काजूगिरियां खा के मोर्चा फतेह किया है, जे इन्होंने मोर्चा फतेह किया है तो फिर तो गवर्नमेंट भी इन्हों की बन जानी चाहिए है, पर मैं समझदा है कि इन्होंने साडे जिहड़े सिखां नूं वोटां पैण वालियां है इन्होंने RSS BJP के कहण के उत्ते अपने कैंडीडेट खिलारने हैं, तो वो साडा नुकसान करनगे, तो इन्ना भी नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि साडे जुझारू जिहड़े उन्होंने समझ चुके हैं, तो ये जे ये पंजाब दे विच गवर्नमेंट बनाउण दे ना तो बंदे कैंडीडेट खड़े करते राज्यपाल साहब, मैं समझदा सब तो वड्डा सवालिया चिन्ह इन्हां ते लगता है कि जिहड़ा धन गुरु धन साढ़े गुरद्वरे जिहड़े इतिहासक गुरद्वरे आ जां सिंघ सभा गुरद्वरे उन्हां दे विच केसरी निशान साहब झूलदे आ, तो वह फिर सानू सारे लाउणे पैणगे क्योंकि इन्हां नूं तां निशान साहब चंगा नहीं लगता, तो जे इन्हां नूं निशान साहब नहीं चंगा लगता तो साढ़े नौजवानों नूं पंजाब दे लोकां नूं ये किस तरह चंगे लग सकते हैं, इस करके बिल्कुल बुझ दिल बंदे आ, इन्हां नूं कदी मूँह नहीं लाउणा लोकां ने। बिल्कुल जी, जिथे बलेर साहब तुसीं इह इन्हां दे उत्ते वी गल कीती आ कि इन्हां ने तुहाडे साढ़े जिहड़े सिखां दे निशान साहब लवाउण दी गल जिहड़ी आ उस समें दे कीती सीगी, ते जे इन्हां दे हत्थ दे विच कमांड आउंदी आ ते निशान साहब भी साडे गुरद्वारियां दे विचों लवा देणगे, सो मैं अखीर दे विच इक सवाल पुछना चाहुंदा कि तुहाडी जिहड़ी पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जिहदे प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान ने, ओह उन्हां दा पॉलिसी एजेंडा की आ इन्हां इलैक्शनज नूं लै के? असीं सब तो पहलां तां एजुकेशन जिहड़ी आ उहनूं बहाल करना चाहुंदे आ क्योंकि इन्हां ने प्रकाश सिंह बादल ने कहा सी कि 8वीं तक किसे बच्चे नूं फेल नहीं करना, असी चाहते हैं कि असी यहो जी एजुकेशन देनी है कि साढ़े बच्चे जे क्लास पास करे तो अगली जमात जाएंगे, नहीं तो वह ही अपनी मेहनत करे कि उन्होंने बनाए हुए फ्लाईओवर ज उन्होंने बने हुए डॉक्टर जे चंगी तरह लोगों की जिंदगी की सेवा कर सकन, तो जोड़ा नंबर 2 हैल्थ का एजुकेशन का अं करके ही साढ़े पाकिस्तान लगता है, तो हसैनी वाला दरांगला सुलेमानकी के वाघा बार्डर सारे बार्डर जोड़े है वो साढ़े बंद रखे मोदी ने, जबकि सानू TWO जी सानू ये हक है कि जिहड़ा गवांढी देश उहदे नाल अहीं व्यापार कर सकते हैं, तो जे अहीं व्यापार कर सकते हैं तो फिर मोदी साहब सानू क्यों मारना चाहुंदा है, इत्थों ही ड्रिलां रूटावेटर हाल तवियां खरीद के तो अपना गुजरात खड़दा है, तो गुजरात तो गाड़ी बंदरगाहां दे राहीं फेरे दूजे मुल्कां नूं भेजदा, जबकि साडा तो इत्थों जा सकता है, जिहड़ा पाकिस्तान है और रूस तो 7000 नूं क्विंटल कणक खरीदा है तो साडी कणक 1800 नूं विकदी है, तो साडी पार्टी का प्रधान जिहड़ा है कौम का लीडर है जिन्हें बहुत लम्मा संघर्ष किया कौम वास्ते जिहड़ा मीरी ते पीरी की तर्जमानी करता है, वो कहिंदा है कि मेरी गवर्नमेंट बनदियां सार मैं सब तो पहला मता पाऊंगा कि ये बार्डर खोले जाण, तो बार्डर दे चैक पोस्ट जिहड़ा वो सख्त किया जाए, चैक पोस्ट वधाया जाए, अज भी कहिंदे आ ते अपनी वारी भी करांगे, तो उस तो बाद जिहड़ा व्यापार चलना है उहदे नाल साडा कुली वर्ग साडा मजदूर वर्ग साडा ट्रांसपोर्ट ट्रक टैक्सियां सारा कुछ जिहड़ा है उहनां दे घरां दे विच खुशहाली आ जाणी है, रंग आ जाणे आ उहनां दे विच, इक रोशनी आ जाणी है, तां करके नाल दी नाल साडी पार्टी जिहड़ी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारिआं नूं
भाई भाई का वालता देंदी है, उपदेश देंदी है, तो असी सारे गल ना ला के चलांगे। किसी नाल भी वितकरा नहीं होगा। जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल के राज दौरान हर एक नूं मंत्री ते वजीर बनाया है, असी भी उस तरीके नाल उहो ही राज देण दी गल करांगे। बिल्कुल जी। अखीर दे विच बलेर साहब एक सवाल तुहाडे कोल पुछणा चाहूँगा, क्योंकि तुसीं माझे दे विच जिहड़े आ इंचार्ज जी, माझा सारा तुहाडी कमांड दे हेठ जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल अंबरसर जिहड़ा इलैक्शन लड़ रहा आ, मैं इत्थे इह सवाल पुछणा चाहुंदा आ कि जिथे तुसीं अज महाराजा रणजीत सिंह जी दे राज दी गल कीती है कि असीं महाराजा रणजीत सिंह दा राज देना चाहुंदे आ, सो जिथे अज मैं वेख्या आ कि पूरे पंजाब दे विच ही कि किसी भी पार्टी ने ना तो कांग्रेस हो गई, एक अकाली दल हो गया, श्रोमणी अकाली दल बादल हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, या होर भी आम आदमी पार्टी भी ला लीए, किसी भी पार्टी ने इतों की एक मेन घट गिनती जिहड़ा भाईचारा आ वो क्रिश्चन भाईचारा मेन घट गिनती का, किसी ने कोई टिकट नहीं दिती। कि तुहाडी पार्टी ने किसी क्रिश्चन भाईचारे को टिकट दिती है? हाँ बिल्कुल, साढ़े को जिन्या भी एप्लीकेशन आईया है वो चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, मलेरकोटले तो साढ़े तो मुसलमान वीर लड़ रहा है, अमृतसर तो साढ़े को ईसाई वीर का भी मैसेज है, जे वो साढ़े को आते हैं तो अं बिल्कुल उन्होंने वेलकम करा। सा पार्टी का किसी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, तो नाल दी नाल ही साड़ी पार्टी के तालमपुरा साहब एस सी बी सी विंग ही नहीं है। जिहड़ी पार्टी मीरी तो पीरी की तर्जमानी करती है वो सारियां इको अख नाल वेंदी है, एक संगत तो एक संगत की गल करती है, तो असी हर एक भावें कोई ईसाई होनू भी टिकट देवे, क्योंकि सानू पता है असी किसी वितकरा करना ही नहीं, तो इस करके असी बहुत साफ तरीके अपना काम करना है। तो पंजाब में जे पंजाब की जवानी तो किसानी बचा है, तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर बचा सकता है, जोड़ा अज तक डोलिया तो झुकया तो विकया नहीं, जोड़ा दिल्ली के गड़ी डट के खड़ा है, तो आने वाले समय से भी खड़ा रहना है। तो नाल दी नाल मैं एक बेनती कर देनी चाहना है, जेडे इतों के यूथ के नौजवान है माझे दे, उन्होंने सारे मैं ताडे राही बेनती करनी चाहुंदा है कि ये निरंकारी केजरीवाल कहिंदा है कि जिहड़ा साडे गुरु के उत्ते पैर रख के अपनी कुर्सी ते बहिंदा ही निरंकारी हरदेव सिंह, कहिंदा मैं 250 फुट उच्चा उहदा बुत ला देना पंजाब की धरती से, तो मैं नौजवानों को कहिंदा पंजाब की धरती से नहीं ढाडी हिक ते गड देना है। इस करके आप सारे जाने ये इस चीज़ तो सुचेत हो जाइए कि असी अपनी रक्षा आप कर सकीए, तो करके साड़ी पार्टी का सारे साथ देना चाहिए। धन्यवाद जी। ये संजी साढ़े नाल श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जनरल सैकटरी भाई हरपाल सिंह जी बलेर, जिन्होंने पंजाब वासियों पंजाब के नौजवानों अपील की है कि तुसी सोच समझ के वोटा पायो, जिहड़ी पार्टी पंजाब के हकों की गल करे उहदे नाल असी स्टैंड करना, सो उहदे लई इन्होंने नौजवानों यह बेनती की है कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार जिथे भी खड़े आ उन्होंने वध तों वध वोटा पा के कामयाब किया जाए। सो सारे का धन्यवाद, फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह सारे। एंड कर।